हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में एफडी की एंट्री पास करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लेजर्स में जाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देवरिया के नाम से ये अकाउंट खोल रखा है मैंने, ये देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 5 लाख कैश भी रिसीव करा रखा है मैंने, इसे एक्सेप्ट कराता हूँ, बाहर आता हूँ। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, 5 लाख रुपए कैश हमें निवेश करना है। ठीक है, 5 लाख रुपए कैश स्टेट बैंक वाले लेंगे कैसे, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो कहेंगे सब पहले बैंक अकाउंट खोलिए। ठीक है, डायरेक्टली एफडी नहीं करेंगे सब। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के माध्यम से उसमें पैसा जमा हो जाएगा, उस माध्यम से वो कैश जो है एफडी हो जाएगा। तो अभी हमारे पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन उसमें हमको 5 लाख रुपए रिसीव कराने हैं, तो उसकी एंट्री दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F4 प्रेस करके कंट्रा में आ जाएंगे और यहां पर जिस खाते में पैसा इन होगा उसका नाम यहां पे आएगा। तो यहां पर SBI में खाते में पैसा इन हो रहा है, देखिए 5 लाख पहले से है और अब कैश हम डालेंगे 5 लाख रुपए और। ठीक है, तो यहां पर 5 लाख की एंट्री पास कर देता हूं, तो ये हमने कर दिया, ये 5 लाख रुपए कर दिया एंटर प्रेस करके और अब इसे एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, नोट कितना है वो देख लीजिए, कैश दिया है ना, तो यहां पे अगर मैं 50 नोट कर देता हूं तो 1 लाख रुपए होगा, कर देता हूं ये लाइक 2000 के 250 नोट है और अब एंटर प्रेस करता हूं, ये कुल मिला के 5 लाख रुपए हो गए, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये 5 लाख रुपए रिसीव हो गए। ठीक है, तो यानी कि अब खाते में 5 लाख रुपए चले गए हैं, अब आप आसानी के साथ बैंक को दे सकते हैं, मतलब बैंक जो है ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। ठीक है, पेमेंट में जाएंगे और यहीं पर ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर हो जाएगा, यहां पर आएंगे, 1 मई को ही फिक्स करना है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जा रहा है पैसा, इसी में से निकलेगा, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देवरिया, देखिए 10 लाख हो गया, 5 लाख पहले था, अब 5 लाख ये जो डाला गया है वो है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको सीधा सीधा एक लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हैं ना SBI के माध्यम से, तो यहाँ पे SBI डिपॉजिट इस नाम से एक लेजर बना देता हूं मैं, SBI डिपॉजिट के नाम से। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पे SBI डिपॉजिट वाला लेजर उठा लेंगे। तो ये देखिए SBI डिपॉजिट, यहाँ पर अंडर डिपॉजिट ग्रुप में डाल करके इसे बनाएंगे, तो ये देखिए ये यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए गए। ठीक है, SBI में ये हो गया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस किया। तो इस तरीके से बैंक टू बैंक हम आसानी के साथ FD फिक्स डिपॉजिट की एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम में, ये बड़ा आसान है। और यहां पर आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से एंट्री पास कर दी। तो देखिए एक डिपॉजिट नाम का ग्रुप होता है, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नाम के ग्रुप में कौन सी एंट्री पास की जाए, लाइक म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते थे तो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में उसे डाल देते थे। तो क्यों इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में डालते थे, क्योंकि उसकी समय सीमा नहीं निर्धारित थी। लेकिन अगर आप यही बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है उसका। ठीक है, तो हालांकि पहले जरूरत पड़े तो पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइमिंग एक फाउंडेशन हो जाता है ना, तो इस वजह से इसे डिपॉजिट के ग्रुप में डालेंगे आप। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वाला था तो म्यूचुअल फंड वाला था, तो म्यूचुअल फंड का जो डिपॉजिट होगा उसे हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में डालेंगे, तो दोनों में अंतर है, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए वीडियो बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।